हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का वीडियो होने वाला है लाइव ट्रेडिंग पर, कि मुझसे बोलते हैं बहुत से लोग, या फिर बोला जाए ऐसा ना, वो नहीं होता, काम नहीं आता, कभी काम करता कभी नहीं आता। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ SNR पे ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज मेरा फाउंडेशन ही SNR का है। जब से मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया, मैंने SNR पे ज्यादा ट्रेड किया। जो मेरा प्राइस एक्शन का बेस है वो SNR पे था, और अभी मैंने वापस से SNR पे स्टार्ट किया। वाई? बिकॉज मैं वापस से स्क्रैच से चालू करना चाह रहा हूँ, बेस से चालू करना चाह रहा हूँ अपने सारे चीज, जब से मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ था तब से। वापस से SNR पे स्टार्ट कर रहा हूँ, और मिडिल ऑफ द ट्रेंड इसलिए नहीं ले रहा हूँ बिकॉज मैं अभी थोड़ा ओवर एनालिसिस कर ले रहा हूँ और थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ ट्रेड करते टाइम। और मुझे जहां पर मार्जिन सेफ्टी नहीं लेना चाहिए, फिर भी वहां पर मार्जिन सेफ्टी ले रहा हूँ, मीन्स मैं इम्पेशेंस हो जा रहा हूँ ट्रेड करते टाइम, जिसके कारण मैं SNR पे ट्रेड कर रहा हूँ। SNR पे ट्रेड करने से एक फायदा ये हो रहा है, मेरे अंदर पेशेंस डेवलप हो सक रहा है वापस से। किस तरीके से पेशेंस? मैं SNR ड्रॉ कर रहा हूँ, मार्केट का वेट कर रहा हूँ थोड़ा आने का, फिर उसके बाद ट्रेड ले रहा हूँ। और आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर सिर्फ मैंने 7 मिनट ट्रेड किया, 7.5 मिनट, उसमें मुझे कंपाउंड रेट्स मिल गए थे ठीक ठाक, तो उतना ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ रहा है। बट हाँ, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा भी वेट करना पड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे को उतना कभी मिला नहीं है कि वेट करने का मौका नहीं मिला, राइट? सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था। ओके, यहाँ पर मैं करता हूँ पीछे, ठीक है। अभी यहाँ पर थोड़ा मैंने शायद तक दिखाऊंगा पास्ट में, एज यू सी हियर, मार्केट एक, जैसे कि मैंने एक टचेस का लेवल बताया है, वो लेवल है यहाँ पर, राइट? अगर यहाँ पर देखोगे, रिवर्सल आया, स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल आया, एक बार बस यहाँ पर नहीं आया, बट मार्केट यहाँ पर टच करके रिवर्सल आया, अगेन यहाँ पर टच करके मार्केट रिवर्सल आया, टच करके रिवर्सल आया, और यहाँ एरिया पर भी बहुत सारे रिवर्सल्स आ रहे थे। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर एक बोला जाए लाइन खींचा, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड यहाँ पर वी शेप रिकवरी हुआ। अब हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट में इस तरीके का वी शेप रिकवरी होता है, वी शेप होता है, तो मार्केट ट्राई करता है कि रिवर्स होने का एक दो कैंडल, राइट? अगर मार्केट इस तरीके से होता है और इस तरीके से मार्केट नीचे आता है, जिगजैग होते हुए, हाईर हाई, हाईर लो, लोअर लो, ये सब बनाते हुए, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस रहता है मार्केट को इस तरीके से ब्रेक कर जाए। तो यहाँ पर जिस तरीके से देख सकते हैं हम लोग, मार्केट वी शेप बनाते हुए नीचे आया, जिसके कारण यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया RCC का रूल फॉलो करते हुए, एंड देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो यहाँ पर देखा जाए 20 सेकंड बचा है, अब यहाँ पर देखोगे 8 सेकंड बचा था, मैं मार्केट पे इस पे ले आया। अब यहाँ पर देखना, अभी भी देख, यहाँ पर देखो 2 सेकंड बचा है, मार्केट हुआ क्लोज। अब यहाँ पर मैं 5 सेकंड कंफर्मेशन ढूंढ रहा हूँ। अब जैसे ही मुझे 5 सेकंड कंफर्मेशन मिलता है, यहाँ पर मैं ट्रेड लेता हूँ, राइट? अब यहाँ पर 5 सेकंड कंफर्मेशन का कैंडल था ये, मैंने जूम आउट करके रखा था इसलिए मुझे छोटा लग रहा था, जिसके कारण ये ट्रेड मेरा लेट लगा, मैंने सेकंड कंफर्मेशन के वहां पर लगा दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था SNR है। और पास्ट में अगर यहाँ पर देखोगे, ठीक है, अगर पास्ट में देखोगे, ये एरिया से बहुत ज्यादा बायर्स आए हैं, राइट? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बायर्स आए हैं। अब मैं वापस से प्लान कर रहा था मार्केट में एक कॉल का ट्रेड लेने का, अगर मार्केट नीचे आता तो, ठीक है, बिकॉज कंफर्मेशन कैंडल ये था, मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना था बट मैंने ऊपर ले लिया, तो जिसके कारण मेरा ट्रेड प्लेसिंग लेट हो गया था। बट होप सो कि ये विन हो जाता शायद मेरा, यहाँ पर बीच में एक दो ट्रेड लॉस हुए थे, मुझे याद नहीं आ रहा। ओके कूल, यहाँ पर देखो लास्ट के, अब बोला जाए 15 सेकेंड में मार्केट ऊपर आया, अगेन इस लेवल को टच करते हुए लास्ट के 15 सेकेंड में मार्केट ऊपर आया, एंड ये ट्रेड हो गया मेरा विन। कूल, जैसे कि देख सकते हो पहला ट्रेड मेरा विन हो गया। और पहले बता दूं, मैंने 5,000 डिपॉजिट किया था, मेरा 500 का फर्स्ट सेशन में लॉस हो गया था, उसके बाद मैं दूसरा सेशन कर रहा था ये। और अब यहाँ पर देखो, मैं अगेन चार्ट चेंज कर करके लेवल ढूंढ रहा हूँ, राइट? मुझे लेवल ढूंढना है। अब मुझे इतना भी ज्यादा वो नहीं लगेगा बिकॉज मेरा फाउंडेशन ही वो था, इसलिए मैं लेवल ढूंढ रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ लेवल पर, यहाँ पर मैंने रोका मार्केट में, मैंने बोला था वी शेप रिकवरी, ये एक वी अब बनाया मार्केट ने, राइट? एंड ये एक लेवल था, मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना था, बट शायद तक यहाँ पर मैं ट्रेड ले पाता हूँ, नहीं ले पाता शायद तक मैं, बिकॉज यहाँ पर मेरे पास से टाइम चले गया था, ठीक है, यहाँ पर से मेरे पास टाइम टाइम आउट वो हो गया था, लेवल खींचते हुए उतने मेरे पास से टाइम चले गया था, राइट? यहाँ पर मुझे ट्रेड लेना था, हाँ, और यहाँ पर पीवो का भी लेवल था, जैसे कि यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये ट्रेड मुझसे मिस हो गया था, अच्छा खासा ट्रेड था। यहाँ पर मैं दो कंफर्मेशन ले रहा था, कॉन्फिडेंस ले रहा, एरिया ले रहा था, काइंड ऑफ इस तरीके से, ये एक SNR मैंने ड्रॉ करके दिखाया, प्लस यहाँ पर 50 और 60% का लेवल था, जिसके कारण मार्केट यहाँ से रिवर्सल आ रहा है। बट यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं लिया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, 30 सेकेंड ज्यादा, 30 सेकेंड से ऊपर हो गए थे मार्केट को,
ठीक है, अब यहाँ पर मैंने वापस मार्केट चेंज किया, सिल्वर ओटीसी में है, गोल्ड ओटीसी में है। अब यहाँ पर देखो मुझे गोल्ड ओटीसी में भी एक लेवल दिख रहा है। अब बोलोगे कहाँ लेवल दिख रहा है, अभी मैं बोलूंगा ये एक लेवल है, ये टचेस का लेवल है काइंड ऑफ, अगर ये देखोगे ठीक है। यहाँ से एक बार रिवर्सल, दो बार रिवर्सल, ठीक है, पास में यहाँ से भी रिवर्सल है बिकॉज ये, ठीक है। तो ये टचेस का लेवल मैं इसे कंसिडर कर रहा हूँ, बार बार मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है और बहुत टाइम से मार्केट ऊपर जा रहा था, तो मेरे हिसाब से मार्केट को इस तरीके से मूव करना था। वेट, ये सो इस कारण यहाँ पर मैंने मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए एक पुट का ट्रेड प्लान किया था। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पर मैंने पुट का ट्रेड ले लिया डायरेक्टली, बिकॉज यहाँ पर 5 सेकंड कंफर्मेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा था मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है डाउन के लिए। इफ यू सी हियर, मार्केट ओपन हुआ इस तरीके से मूव कर रहा था डायरेक्टली, ना कि वो मार्केट इस तरीके से ओपन इस तरीके से मूव करते रहता तो हमें 5 सेकंड देखने का बोल सकते हैं जरूरत पड़ता, बट मार्केट ओपन हुआ और डायरेक्टली नीचे आया तो हम कंफर्मेशन इसलिए मिल गया था हमें डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लेवल ड्रॉ करके रखा है, कूल, तो ये ट्रेड भी मेरा विन हो गया। एंड इफ यू ड्रॉ फिबो फ्रॉम दिस एंड दिस, यहाँ पर 50 to 60% लेवल है। अब यहाँ पर जैसे मैं बता रहा था, ये देखो ये कंफर्मेशन कैंडल है, राइट। ओके कूल, मैं थोड़ा सा पीछे होके बता देता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये कंफर्मेशन कैंडल है ये, राइट। तो यहाँ पर मार्केट उसके नीचे आया, फिर यहाँ पर से मैंने ट्रेड लिया था। अगर आप लोग देखोगे तो मुझे ट्रेड लगाना यहाँ था, बट यहाँ पर लगा, बट क्लियर विन हो गया। मैं आरसीसी का रूल फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। अब बोलोगे कब तक विन होगा, भाई देखो हर स्ट्रेटेजी में कोई श्योर शॉट नहीं रहता, आपका एक ना एक ट्रेड तो लॉस होगा ही, एक ना एक नहीं बोला जाए तो हर, जैसे कि मैं बता रहा हूँ SNR का, अगर आप अच्छे तरीके से ट्रेड करते हो तो 75, 70, 75, 80, उससे ज्यादा मुझे तो मैं लगता नहीं है कि देगा, बट हाँ कभी कभी मुझे 90 भी दे देता है विनिंग रेशियो, राइट। अब जैसे कि मैंने बोला था ये वी शेप के बारे में बताया था, ये वी शेप एग्जैक्ट रिकवरी हुआ, बट यहाँ पर सिर्फ एक बार रिवर्सल, मुझे पास में और रिवर्सल देखना है। अगर पास में रिवर्सल होगा तो यहाँ पर मैं ट्रेड लूंगा, कूल। यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से देख सकते हो आप लोग, रिवर्सल आए, राइट। अगर यहाँ पर देखोगे मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आए, रिवर्सल आए, रिवर्सल आए, ये ठीक है। तो एक छोटा सा जोन बनता है मार्केट में, अच्छे खासे रिवर्सल है, एक यहाँ से, दो ब्रेकआउट के बाद, तीन चार यहाँ से भी, पांच ब्रेकआउट के बाद, 6 7 8, पास्ट में भी इसके साथ रिवर्सल थे, राइट। सो देखते हैं क्या यहाँ पर मैं ट्रेड लेता हूँ कि नहीं, मुझे याद नहीं है, बिकॉज लेट्स सी 5 सेकंड कंफर्मेशन पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। कूल, ये देखो 5 सेकंड कंफर्मेशन मुझे मिला और मैंने डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर दिया, राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, राइट। इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, बट यहाँ पर फिर भी मैंने 5 सेकंड देखते हुए ट्रेड लिया। अब यहाँ पर देखोगे तो पास्ट में भी बायर्स वीक हुए हैं, अगर इसको मैं पास से दिखाता हूँ तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा, थोड़ा जूम इन करता तो सब शायद समझ आता। ओके कूल, अब यहाँ पर देखो, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बायर्स आ रहे थे तो वीक हो रहे थे काइंड ऑफ, और सेलर्स एंटर कर रहे थे स्ट्रॉन्गली, तो यहाँ पर साइन भी है कि सेलर स्ट्रांग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने एक कॉल का ट्रेड लिया, सॉरी पुट का ट्रेड लिया, और ये क्लियर विन हो गया मेरा, ठीक है, एक तरीके से बोले तो क्लियर विन है, एग्जैक्ट उस पर लगा और क्लियर विन है, डीप विन जो बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लाइन खींच के रख लिया और यहाँ पर पास में दिखा रहा था, राइट। एंड कूल, अभी ये शायद मेरा तीसरा कंपाउंड ट्रेड रहेगा, सॉरी फोर्थ कंपाउंड ट्रेड रहेगा, मैंने 100 से चालू किया था, 187 को दूसरा लिया, 350 का कुछ मैंने तीसरा लिया, चौथा आएगा 645 का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या मेरा ट्रेड बनेगा, ये भी वी शेप रिकवरी है, बट पास्ट में लेवल होना चाहिए, अगर पास्ट में लेवल नहीं है तो यहाँ पर मुझे ट्रेड नहीं लेना था, बट यहाँ पर मैंने फेक ब्रेकआउट के हिसाब से ट्रेड लिया था शायद, ठीक है। एक तो वी शेप रिकवरी, दूसरा ट्रेंड लाइन का बोला जाए फेक ब्रेकआउट हुआ था। अब किस तरीके से फेक ब्रेकआउट का हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं वो अभी दिखाता हूँ, मतलब सॉरी ट्रेड ले सकते हैं वो दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये दिख रहे हो कि मार्केट एक चैनल को फॉलो कर रहा है, आपको अगर चाहे आप लोग इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते थे, बट इसके लिए बहुत ज्यादा दूर हो जाता लेवल, इसके लिए ड्रॉ कर सकते थे, इसके लिए भी दूर हो जाता लेवल, बट हाँ ये एक लेवल है, मैं बोल सकता हूँ मोमेंटम का लेवल है, ये मोमेंटम का लेवल है, ठीक है, ये एक स्विंग का लेवल है, राइट। तो मैंने एक मोमेंटम और एक स्विंग का लेवल को कनेक्ट किया, स्ट्रॉन्ग बार का भी लेवल बोल सकते हो। अब जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग बार इस तरीके के लेवल को ब्रेकआउट देता है, और इसने पहली दूसरी बार वी फुलफिल भी कर लिया,
उसके बाद मैंने कंफर्मेशन के बाद यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था, लेट्स सी कॉल का। चलो देखते हैं, यहाँ पर मैं 5 सेकंड कंफर्मेशन पे आऊंगा। यहाँ पर मैं आया 5 सेकंड कंफर्मेशन, राइट। अब यहाँ पर मुझे 5 सेकंड कंफर्मेशन देखना है, राइट। अगर यहाँ पर देखोगे मुझे 5 सेकंड कंफर्मेशन कैंडल मिल गया। अब मैंने जब भी बताया, जब भी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होता है तो हमें वेट करना है कि मार्केट 5 सेकंड कंफर्मेशन दे और मार्केट उसके नीचे आता है, 5 सेकंड के लो के पास आता है, जैसे कि इस कैंडल का लो है ये, इसके आसपास आता है, तो यहाँ पर हमको कॉल का ट्रेड लेना है बिकॉज हम सपोर्ट पे ट्रेड ले रहे थे फेक ब्रेकआउट पर, राइट। सो मार्केट जैसे नीचे जाता है मैं कॉल के लिए रेडी था। अभी भी देखो देखा जाएगा तो है, अभी हमारे 15 15 सेकेंड है हमारे पास मार्केट को नीचे आने का, ठीक है। अब मार्केट में यहाँ पर देखोगे शार्प डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर भी यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड ले लिया बिकॉज वी शेप रिकवरी एंड दो कॉन्फिडेंस लेवल था इसलिए। अब यहाँ पर देखो जैसे कि मेरा प्लान था कि मार्केट को लो को ब्रेक करेगा मुझे ट्रेड लेना है, या फिर लो के पास अगर ट्रेड लेना है, जैसे इसने लो को ब्रेक किया कैंडल क्लोज में मैंने ट्रेड ले लिया। अब देखते हैं क्या होता है, मार्केट स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना रहा है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर मेरा ट्रेड विन होता है या लॉस होता है, आप मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन पर। ओके ओके, मार्केट 10 सेकंड बचा है मार्केट में और मार्केट पूरा टाइम नीचे रह गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये ट्रेड मेरा लॉस, अगर लॉस होता तो मैं बंद कर देता, बट यार मुझे अपने एनालिसिस पर भरोसा रखना था, ठीक है। इतना लॉस हो गया कि अभी बोला जाए कि भरोसा नहीं हो पा रहा था, बट हाँ लास्ट टाइम में मार्केट ऊपर आके मुझे ये ट्रेड बीन दिया। अगर मैं 1 मिनट पे आऊँ, 1 मिनट में, तो देखो जैसे कि मैंने फेक ब्रेकआउट बोलता है, एक ग्रीन कैंडल बनाया फेक ब्रेकआउट के बाद। अब मुझे यहाँ पर कोई और लेवल दिख नहीं रहा था तो मैंने दूसरा चीट बोला जाए दूसरा चार्ट चेंज किया, कि उसके बाद मैं शायद ट्रेड लेता हूँ। लेट्स सी, यहाँ पर कोई लेवल नहीं है, यहाँ अमाउंट चेंज कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर देखो अगर देखा जाएगा 465 का मुझे 1161 मिला, और उसके बाद मैंने 5000 जितना मेरा कैपिटल था उसको वापस रखने दिया, उसके बाद मैं ये पूरे अमाउंट का ट्रेड लेता हूँ 562 का, बिकॉज मैं इतना वो नहीं कर रहा था कि मैं पांचवा कंपाउंड ट्रेड पूरा कर तरीके से लूँ। मैं सोच रहा था कि सेफ साइड चलता हूँ, नो लॉस नो प्रॉफिट में भी मुझे चलेगा आज का दिन, बट ये ट्रेड मेरा बोला जाए तो हो जाता है, ठीक है, मेरे फेवर में। अब मैं बताऊँ कि नहीं बताऊँ कि मेरे फेवर में आते हैं कि नहीं, उसके लिए आप पूरा वीडियो देख लो। अब ये लास्ट ट्रेड रहेगा मेरा एग्जैक्टली क्लोज एट द एसएनआर रिवर्सल कैंडल है। अब बोलोगे यहाँ पर भी रिवर्सल कैंडल आया, यहाँ पर से रिवर्सल क्यों नहीं है, ये एक डोजी कैंडल आया, मीन्स ये भी एक रिवर्सल बाहर है मार्केट अप ट्रेंड में, आपको पता है। एंड अगेन डोजी कैंडल क्लोज एट द लेवल, अब मेरे पास सिर्फ 5 सेकंड बचे थे, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड ले लिया पुट का मार्जिन सेफ्टी के साथ। मैं ले ऊपर रहा था बट लगा यहाँ पर बिकॉज सेलर्स, अगर आप देखोगे यहाँ पर, राइट, इफ यू सी हियर सेलर्स, अब यहाँ पर से आ रहे हैं सेलर्स, ये एरिया से आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेना चाह रहा था बट मेरा ट्रेड लेट लग गया जिसके कारण अब क्या ही बोला जाए। चलो देख लो लास्ट तक वीडियो कुल। अब यहाँ पर देखो अभी तक तो मार्केट मेरा फेवर में चल रहा है, मार्केट डाउन चल रहा है बिकॉज ऑफ आरसीसी का भी देख लोगे तो यहाँ पर से रिजेक्शन दिखा था मुझे, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर ट्रेड ले लिया। एंड ये काइंड ऑफ एक रेंज चल रहा है, रेड ग्रीन पैटर्न भी चल रहा था, इस कारण मैंने ट्रेड ले लिया, बट यहाँ पर पैटर्न ब्रेक हो गया, ग्रीन ग्रीन ये आया तो मुझे लगा रेड रेड का पैटर्न बन जाएगा, बट डोजी कैंडल था, काइंड ऑफ रेड डोजी है, बट देखते हैं साइन ऑफ रिवर्सल कैंडल था, आरसीसी का रूल फॉलो करते मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पर 10 सेकंड बचा है मार्केट, 10 सेकंड बचा है, 5 सेकंड बचा है, और लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर आ जाता है। अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो लास्ट सेकंड में मार्केट ऊपर आया, डोजी ही बनाया मार्केट ने, बट मेरा ट्रेड विन हो गया बिकॉज ऑफ माई एंट्री पॉइंट। सो गाइस दैट्स ऑल ऑफ टुडेज वीडियो। आज की वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट सेक्शन पर बताना, कैसा लगा वीडियो वो भी बताना। अगर आपको ये वीडियो से कुछ नॉलेजेबल कंटेंट मिला है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियो बनाऊं। एंड मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक वीडियो का रहेगा एसएस के बारे में, जो ट्रेडिंग लेजेंड ने डाला हुआ है, राइट। ट्रेडिंग लेजेंड ने जो एसएस डाला है उस पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज मुझे सामी मलिक का एसएस उतना अच्छे तरीके से समझ समझ तो आया था बट ढूंढने में मुश्किल जाता था, बट ट्रेडिंग लेजेंड जो एसएस डाल रहा है वो इजिली मिलता है और उस पर ट्रेड ले सकते हैं इजिली, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ डीपली। तो कमेंट सेक्शन में बताना वो भी बनाऊं तो कि नहीं, राइट, और किस तरीके से काम करता है कि नहीं करता। सो दैट्स ऑल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।